প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় কিন্তু তিনি জানতেন তিনি হতে পারবেন না কারণ সোনিয়া গান্ধী এমনই দাবি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশ হচ্ছে তার বই ইন প্রণব মাই ফাদার আর ডটার রিমেম্বার্স সেখানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির জানা অজানা অনেক কথা তুলে ধরেছেন শর্মিষ্ঠা কিন্তু কেন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না বলে মনে হয়েছিল প্রণব বাবু সোনিয়া ও তার পরিবারের তত্ত্ব সামনে এনেছেন শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় बिल्कुल बनना चाहते थे लेकिन उनको ये भी पता था कि वो बनना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पाएंगे तो इस बात को उनको कोई डिसिल्यूशनमेंट में नहीं था कि एक दिन बनेंगे बट हाँ ऑफकोर्स वो बनना चाहते थे ये बात खुलकर मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्होंने बोला बिल्कुल कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बनूंगा तो बिल्कुल मैंने पूछा तो उनका कहना यही था कि सोनिया गांधी जी का उनको शायद सोनिया गांधी जी को लगा होगा कि एक दिन वो हो सकता है कि सोनिया गांधी जी का अथॉरिटी चैलेंज करे तो मैंने ये बात पूछा कि मैं आप क्या चैलेंज करते तो उन्होंने कहा कि चैलेंज करता या नहीं करता दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन बट सोनिया गांधी जी को ऐसे लगा उन्होंने बड़ा बोला देखिए पॉलिटिक्स कट थ्रोट वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स यू नो यहाँ सब कोई चाहता है कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफ गार्ड करे तो सोनिया जी अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर रहे थे और उनको जिनको सही लगा कि वो सोनिया जी की अथॉरिटी चैलेंज नहीं करेंगे उनको बनाया तो इसमें कोई आर्गुमेंट की कोई बात ही नहीं है। প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় কিন্তু জানতেন সোনিয়া গান্ধীর জন্য তিনি হতে পারবেন না প্রণব মুখোপাধ্যায় তিনি যে কথাবার্তা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শেয়ার করেছেন তা নিয়ে তার স্মৃতিচারণ এবং তা নিয়ে তার বই এই নিয়ে প্রশ্ন করা হয় শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়কে এবং তিনি বলেন যে কোথাও গিয়ে সোনিয়া গান্ধীর হয়তো মনে হয়ে থাকতে পারে যে তিনি তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করছেন যদিও বাস্তবে তা হতো না বলেও প্রণব মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন কিন্তু একই সঙ্গে তার পারিবারিক যে ইন্টারেস্ট তার পরিবারের কথা মাথায় রেখে তিনি যে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না সেটা তিনি জানতেন যদিও শর্মিষ্ঠা এটাও স্পষ্ট করেছেন হ্যাঁ প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রী হবার অবশ্যই ইচ্ছে ছিল কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এবং তার একটা বড় সড় কারণ হিসেবে সোনিয়া গান্ধীর কথা সামনে এনেছেন তিনি যেখানে সোনিয়া গান্ধী তিনি এর পথে বাধা হয়ে থাকতে পারেন বলে মনে হয় এমনকি রাহুল গান্ধীর পরিণত মনস্কতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন শর্মিষ্ঠা প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাহুল গান্ধীর কথোপকথনের স্মৃতিচারণ শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়ের एक दिन राहुल गांधी जी मेरे फादर के साथ मिलने के लिए आए और बाबा तब मुगल गार्डन में वॉक ले रहे थे प्रेसिडेंट तो मिले वो ऐसे फिर बाद में पता चला कि राहुल गांधी जी शाम को मिलने के लिए आने वाले थे तो राहुल गांधी का ऑफिस उन्होंने गलती से शाम की जगह उनको सुबह बता दी तो मुझे ADC से पता चला तो फिर मैंने जब अपने बाबा से जिक्र करी इस बात को तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सरकास्टिकली उन्होंने बोला कि अगर राहुल गांधी को ऑफिस को AM और PM का बीच में जो फ़र्क है वो नहीं पता तो एक दिन वो कैसे सोचते हैं कि PMO को चलाएंगे इंट्रैक्शंस कुछ UPA का टाइम पे हुआ है और कुछ जब प्रेसिडेंट थे तो राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए आते थे तो उनका जो ऑब्जर्वेशंस राहुल गांधी के बारे में रहा उसके बारे में मैंने बताया कि वो उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी बहुत ही कर्टियस हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं जो कि उनको अच्छा लगा कि ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं लेकिन उनको ये भी लगा कि राहुल गांधी एक सवाल से दूसरा सवाल बहुत जल्दी एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट बहुत जल्दी जाते हैं तो वो उनको लगा कि पता नहीं कितना इनको समझ आ रहे हैं या कितना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसमें बारे में भी मेरा फादर का उन्होंने लिखा ऑब्जर्वेशन लिखा इस विषय पे বাংলার আওয়াজ বাঙালির আবেগ জি 24 ঘন্টা